वीडियो स्टार्ट हो रखी है, ये सारी चीजें ऐड हो रही हैं इन सारी बातों में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हे गाइस, दिस इज मुकुल शर्मा है के स्टफ लिस्टिंग्स, वेलकम टू वापस से पी कर चला देना ठीक है। हे गाइस, दिस इज मुकुल शर्मा है के स्टफ लिस्टिंग्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टेक स्टफ। बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो इफ यू न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टफ लिस्टिंग्स। स्टार्ट करते हैं सैमसंग के साथ एंड सैमसंग गैलेक्सी M01S एक नया एंट्री लेवल स्लैश मिड रेंज स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन अब TUV रेनलैंड सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है, जिसके थ्रू हमें कंफर्मेशन आ चुकी है कि स्मार्टफोन में हमें एक 3900 mAh बैटरी देखने को मिलेगी। फास्ट चार्जिंग की एक्सपेक्टेशन यहां पे करना नाजायज होगा, बिकॉज ऑफकोर्स सैमसंग एंट्री लेवल स्मार्टफोन है यार, इट्स ऑलरेडी नोन कि आपको बैटरी अच्छी खासी मिलेगी, बट चार्जिंग स्पीड यहां पे ज्यादा नहीं है। स्टैंडर्ड चार्जिंग के साथ सैमसंग गैलेक्सी M01S स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, इंडिया में भी ये स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होगा। आगे बढ़ते हैं Xiaomi के सब ब्रांड Redmi की तरफ है। Redmi 9A के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि यार ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशंस निकल के आ चुकी हैं। MediaTek Helio G25 प्रोसेसर जो कि अभी तक अनाउंस नहीं है ये स्मार्टफोन में होगा। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 5000 mAh की बैटरी वगैरह के साथ ये स्मार्टफोन जुलाई में लॉन्च होने वाला है। आज एक नई रिपोर्ट निकल के आई है, उस रिपोर्ट की अगर हम माने तो Redmi 9A स्मार्टफोन का डेब्यू जो होगा वो जुलाई में होगा। अब इंडिया में पता नहीं है पोको के नाम से अगर आना हुआ तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट ग्लोबली ये स्मार्टफोन आपको जुलाई में देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं YouTube की तरफ या फिर TikTok की तरफ, मुझे नहीं पता हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट YouTube में एक नया फीचर जल्दी लॉन्च होने वाला है। YouTube एलिजिडली एक नया TikTok लाइक वीडियो फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसमें आप जो क्रिएटर्स हैं मेरे जैसे वो 15 सेकंड्स की शॉर्ट क्लिप्स को अपलोड कर सकते हैं राइट फ्रॉम देयर स्मार्टफोन और देयर यू नो एंड्रॉयड और iOS डिवाइस। अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो आप 15 सेकंड्स की क्लिप वगैरह ऐसे यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में एंड्रॉयड या iOS में। अब मुझे नहीं पता मैं एक्चुअली ऐसा करना चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा, बट स्टिल इफ यू आर अ फैन ऑफ दैट यू नो टिकटॉकिश इंटरफेस कि आप शॉर्ट वीडियोस पब्लिश कर रहे हो, मे बी आपको ये न्यूज पसंद आए और हो सकता है एक्सक्लूसिव वीडियोस वगैरह जो होंगी, एक्सक्लूसिव लीक्स वगैरह होंगी, वो मैं इन यू नो 15 सेकंड वाले फीचर्स के थ्रू आपको बेटर तरीके से और जल्दी से प्रोवाइड करा पाऊंगा। स्टिल आपका क्या कहना है यूट्यूब के इस नए 15 सेकंड्स वाले शॉर्ट क्लिप फीचर के बारे में कमेंट सेक्शन में पक्का से हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एप्पल की अपकमिंग iPhone 12 सीरीज और स्मार्टफोन्स की तरफ, एंड iPhone 12 की तरफ से बहुत सारी न्यूज आज निकल के आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल iPhone 12 का जो 4G वेरिएंट होगा उसकी प्राइसिंग सुनने में आ रहा है कि $549 से स्टार्ट होगी, और उसके साथ में iPhone 12 सीरीज का जो बॉक्स होगा उसमें आपको ईयरपॉड्स या फिर जो भी एप्पल के ईयरफोन्स होते हैं वो और चार्जिंग वगैरह एडेप्टर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। कॉस्ट कटिंग है या फिर एप्पल की मार्केटिंग है कि जो अपने एयरपॉड्स को अलग से वो सेल करना चाहते हैं, जो भी आप कह लीजिए iPhone 12 सीरीज के बॉक्स में आपको ऑलरेडी कम जो चीजें देखने को मिलती थी और कम देखने को मिलेंगी। इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर एप्पल फैंस, आपको अब एयरपॉड्स वगैरह अलग से खरीदने पड़ने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं। कल हमने आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा था, इज iOS 14 बेटर देन द करंट एंड्रॉयड? 2400 पीपल वोटेड एंड आई कांट बिलीव पहली बारी टेक्स्ट ऑफ के इतिहास में पहली बारी ऐसा हुआ है। द रिजल्ट इज अ टाई, 50-50 यहां पे वोट्स आए हैं एंड 1200 लोगों ने कहा है iOS 14 इज बेटर, 1200 लोगों ने कहा है iOS 14 इज नॉट बेटर, एंड्रॉयड इज बेटर। आई ऑनेस्टली डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, और मैं भी अभी ये चेक कर रहा हूं यहां पे तो मेरे को हैरानी हो रही है, बट यस ये है यहां पे वोट। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई भी इकोसिस्टम यहां पे मेजोरिटी के साथ नहीं जीत पाया, मेजोरिटी का यहां पे टाई हो चुका है। सो एक और काम करते हैं, आज की वीडियो को पोल भी हम आपके लिए ये रखते हैं कि iOS वर्सेस एंड्रॉयड, अभी ये इंटरेस्टिंग यहां पे थोड़ी सी यू नो फाइट वगैरह शुरू हो चुकी है। iOS 14 की मैं बात नहीं कर रहा, Android 10 की 11 की बात नहीं कर रहा, इन जनरल विच OS डू यू थिंक इज बेटर? हमने ये ऑलरेडी पहले भी एक बारी पोल किया था ट्विटर पे, बहुत बारी लोगों की डिमांड्स पे हमने इस पोल को रन किया, बट इस बारी मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें आपको क्या लगता है iOS वर्सेस Android इन जनरल, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, कॉस्ट वगैरह सब कुछ आप कंसिडर कर लो, आपके हिसाब से कौन सा OS बेटर है? कम्युनिटी सेक्शन में आप जाके हमें पोल करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं Amazon की तरफ, Amazon ने इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, Amazon पे स्मार्ट स्टोर, जिसके थ्रू आप अपने लोकल ब्रिक एंड मोर्टार ऑफलाइन स्टोर्स में भी ऑनलाइन शॉपिंग का एंजॉयमेंट वगैरह कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग स्टोर्स वगैरह जो है वो अपने Amazon से रीच आउट करके कॉन्टेक्ट करके QR कोड्स वगैरह आपने बनवा सकते हैं, एंड उसके थ्रू जो भी लोकल शॉपर्स होंगे उनको पता चल जाएगा इन्वेंट्री क्या है उनके स्टोर्स में, प्रोडक्ट वगैरह क्या क्या है। सो जल्दी ही ये फीचर जो है Amazon पे स्मार्ट स्टोर का ये आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है।
आगे बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ। है आपको कुछ टाइम पहले बताया था नासा में अगर आप टॉयलेट बनाने का कॉन्सेप्ट दोगे तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आज मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं पैसे कमाने का। टेंसेंट ने टोरो के साथ कलेबरेट करके एक नया ट्विच स्टाइल का लाइव स्ट्रीमिंग का एक प्लेटफॉर्म रिलीज किया है, जल्दी ही आपके पास आने वाला है बाय द वे। इसमें ये मोबाइल से स्ट्रीमिंग होगी एंड टेंसेंट विल पिक 500 पीपल, 500 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड उसके अलग अलग टीयर्स होंगे डिपेंडिंग ऑन यू नो जैसे आपके पबजी वगैरह में टीयर्स होते हैं वैसे टीयर्स होंगे एंड डिपेंडिंग ऑन द टीयर्स आप $300 या $300 से लेके $4,200 तक कमा सकते हैं। सो पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका है। जैसे ही इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन आती है मैं आपको टेक्स्ट में फिर से अच्छे से बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ एंड जो भी पेंडेमिक चल रहा है वर्ल्ड में उसके अलावा भी यू नो इट्स ऑलवेज हाइजीनिक कि आप अपने मुंह को बार बार टच ना करो या किसी और के मुंह को टच ना करो बार बार। इट्स नेवर अ गुड आइडिया टू टच एनीवन्स फेस। तो नासा ने एक नया नेकलेस इजाद किया है, इन्वेंट किया है, जिसको आप अपने गले में जब पहनोगे तो उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स वगैरह लगे होंगे और अगर आप हाथ अपना उठा के यहां तक लाओगे या मतलब उसकी प्रॉक्सिमिटी में अगर आप आ गए तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, आपको हैप्टिक फीडबैक दे देगा, आपको याद दिला देगा कि आप अपने मुंह की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर आप किसी को अगर चांटा लगाने लगे तो वहां पहुंचते पहुंचते उसकी वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, उसको पहले ही पता चल जाएगा कि मेरे को पढ़ने वाली है। वट एवर इट इज, मैं आपको एक शॉर्ट यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह दिखा के रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ कि कैसा ये फंक्शनैलिटी होने वाली है, कैसा ये काम करने वाला है। आई डोंट नो यू नो ये प्रैक्टिकल लाइफ में कितना यूजफुल है। इन्होंने 3D प्रिंटर से इसको बनाया है बट स्टिल इंटरेस्टिंग न्यूज है तो आपको बताना मेरा फर्ज था। आगे बढ़ते हैं फेसबुक की तरफ। अगर आपको कुछ टाइम पहले याद होगा मैंने आपको बताया था ट्विटर पे एक नया फीचर आ रहा है कि यार अगर आप कोई न्यूज आर्टिकल खोलने वाले हो और ट्विटर आपको पहले ही वार्न कर देगा कि यार ये ऐसे ऐसे है थोड़ा ध्यान रखो। फेसबुक भी अब ऐसे ही नक्शे कदम पे चल पड़ा है। फेसबुक ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसके थ्रू अगर आप एक ओल्ड आर्टिकल को खोलना यू नो चाह रहे हो या फिर खोलने वाले हो फेसबुक आपको ऑलरेडी वार्न कर देगा कि यार 2-3 साल पुरानी न्यूज है, थिंग्स माइट हैव गॉट चेंज्ड और वट एवर। सो फेसबुक में भी ये नया फीचर अब आ चुका है। अगर आपने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया आप फेसबुक पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टाटा स्काई के ब्रॉडबैंड की तरफ एंड इनिशियली ये ब्रॉडबैंड जो सर्विस थी कुछ लिमिटेड एरियाज में अवेलेबल थी इंडिया में। उसके बाद टाटा स्काई ने अनाउंसमेंट की कि समवेयर अराउंड 21 डिफरेंट प्लेसेस में आपको इंडिया में ये सर्विस देखने को मिल जाएगी बट एज इट टर्न्स आउट देर आर ओनली 18 प्लेसेज जहां पे आपको टाटा स्काई ब्रॉडबैंड की सर्विस देखने को मिलेगी। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ लोकेशंस जो इंडिया में है जहां पे आप टाटा स्काई ब्रॉडबैंड सर्विस का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मीडियाटेक की तरफ। मीडियाटेक का एक और नया बजट 5G प्रोसेसर जल्दी ही लॉन्च होने वाले जिसका कोड है मीडियाटेक MT6853। अब ये लिस्ट हो चुका है ऑनलाइन, इसकी स्पेसिफिकेशंस एज इन इसकी टेक्निकल स्पेक्स क्या हैं वो तो अभी के लिए नहीं पता बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डायमेंसिटी 800 सीरीज का एक टोन डाउन वर्जन होगा और जल्दी ही रेडमी के किसी ना किसी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है। बजट ओरिएंटेड 5G स्मार्टफोन में ये मीडियाटेक का जो अपकमिंग चिपसेट है यूज होगा। और चिपसेट्स की अगर हम बात करें तो डिजिटल चैट स्टेशन ने एक नए चिपसेट के बारे में बताया, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का सक्सेसर होने वाला है 865 प्लस, बट डिजिटल चैट स्टेशन उससे भी आगे निकल गए। वो कह रहे हैं कि जनवरी में या फिर Q1 2021 में एटलीस्ट हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो 100 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। और उन्होंने उसके बाद बोला कि कुछ स्मार्टफोन्स होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स 100 वॉट्स चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे और 17 मिनट के अंदर स्मार्टफोन्स फुल चार्ज हो जाएंगे 0 to 100। ब्लैक शार्क 4 के लिए एक्सपेक्टेशन है कि 100 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट मिलेगी। सो उस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 875 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और शाओमी के भी 3 स्मार्टफोन्स हैं जिनमें हमें 100 वॉट से प्लस फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी जो कि Q1 2021 में लॉन्च होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं कॉम्पैक की तरफ एंड आई एम प्रीटी श्योर कॉम्पैक एक कंपनी है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। अब एक नई न्यूज निकल के आ रही है, कॉम्पैक जुलाई 15th को इंडिया में स्मार्ट टीवी की एक नई रेंज लॉन्च करने वाला है। अब कॉम्पैक फिर से एंट्री कर रहा है इंडिया में, इस बारी स्मार्ट टीवीज लेके आ रहा है, देखते हैं ये टीवीज मार्केट में कैसा परफॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं वोवे की तरफ। वोवे नोवा 7i स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है जुलाई में, ऐसा प्राइस बाबा ने एक एक्सक्लूसिव लीक में कहा है। सो वोवे नोवा 7 सीरीज का बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे इंडिया में, यार लोग कह रहे थे नोवा सीरीज क्यों नहीं आ रही इंडिया में। फाइनली इट्स गुड न्यूज फॉर यू, वोवे ने नोवा सीरीज के द्वार खोल दिए इंडिया के लिए। सो नोवा 7i लॉन्च हो रहा है तो बाकी के स्मार्टफोन्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें वोवे की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। एंड बाय द वे वोवे की तरफ से एक एक्सक्लूसिव लीक आपको मेरी तरफ से भी जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं MIUI 12 की तरफ एंड आज फाइनली Redmi के स्मार्टफोन्स में MIUI 12 का
स्टेबल बिल्ड चाइना में लॉन्च होने वाला है एंड इसके बारे में कंपनी ने कल हमें बता दिया था। अभी तक डिवाइसेस के नाम तो नहीं पता, जब तक आप ये वीडियो देखोगे डिवाइसेस का हमें नहीं पता कौन कौन से स्मार्टफोन्स में ये आने वाला है। बट यस, रेडमी K30 में आप कंफर्म लेके चल सकते हो, रेडमी K30 प्रो में आप कंफर्म लेके चल सकते हो। चाइना में इसका यू नो स्टेबल जो बिल्ड है आज अनवील हो रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई में या फिर बाय लेटेस्ट अगर आप लेके चलो तो अगस्त में आपको MIUI 12 इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ। Xiaomi का Mi Band 4C फाइनली ऑफिशियली लिस्ट हो चुका है मलेशिया के Xiaomi के ऑफिशियल प्रोडक्ट कैटलॉग में। कमिंग सून वहां पे दिखा रहे हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जुलाई महीने में Mi Band 4C मलेशिया में लॉन्च हो जाएगा और इंडिया में भी ये जल्दी ही लॉन्च होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले कल के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। प्रद्युमन ने कहा, भाग्य थैंक यू फॉर ओपनिंग अ यूट्यूब चैनल। भाग्य कौन? भाग्य, यू हैव सेव्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम, नाउ आई जस्ट सी योर वीडियोस इंस्टेड ऑफ सर्फिंग द वेब। लव फ्रॉम केरला, कीप हसलिंग ब्रदर। थैंक्स अ लॉट ब्रदर, एंड दैट मींस अ लॉट। आई बिलीव यू आर सेइंग भैया, आई डोंट नो इफ आई एम नॉट श्योर इफ भाग्य मीन समथिंग, प्लीज आप आज कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सिद्धार्थ दास आगे कह रहे हैं, नाउ डेज आई एम स्टार्टिंग माई यूट्यूब कॉन्टेंट कंजम्पशन बाय यूर मॉर्निंग टेक्स्ट अप वाइल हैविंग टी, दैट मीन्स अ लॉट एंड दैट्स ऑलवेज बीन अ ड्रीम टू मी। यू कीप अस अपडेटेड बाय प्रोवाइडिंग सो मेनी न्यूज अबाउट टेक्नोलॉजी, कीप डूइंग दिस, कंग्रेचुलेशन फॉर 22K सब्स, लव फ्रॉम कोलकाता। I love you too, brother. And Kolkata is one of the favorite places which I have ever been to. So I wish ki main wapas hai kabhi na kabhi Kolkata ghumne aa paun. So thanks a lot for that. And I hope aaj ki video bhi aapko pasand aayi hogi. Sunday hai, leaks wagera thode kam hote hain. I know, but hum try karte hain aapke liye jitna content provide kar paaye Sunday ko bhi provide kar dein. Raju Reddy is saying, bro, we are not coming for giveaways. Bro, we are coming to watch lovely and informative content. Bro, may you do giveaways or not in future, I don't know, but I am proud to be a part of Stuff Listings Army. Keep smiling always. That means a lot. Seriously, that means a lot. But that does not mean that we won't, keep giving you giveaways. And today also, because yesterday's text of, reached all the goals जो हमने आपको targets दिए थे, so उसके लिए भी कल की text of भी activate हो चुकी है giveaway के लिए. And मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन जीता है giveaway right on this screen. So guys, you have made more than 500 comments here. It's 587 comments in total. और अब देखते हैं कि giveaway हमारा कौन जीता है। सत्यम जीता था कल। Okay. So guys, ये कुछ tradition चलती आ रही है। I don't know how this is happening. बट ये रैंडम कमेंट पिकर है एक वेबसाइट में, वहां से रैंडम कमेंट्स पिक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं। इस बारी अक्षित त्यागी जीते हैं हमारा गिव अवे, कल का जो हमारा टेक्स्ट ऑफ था उसका गिव अवे जीते हैं अक्षित त्यागी। और उनके कमेंट में उन्होंने लिखा था, कंग्रेट्स सत्यम ब्रो, आई लव यू ब्रो। सो सत्यम थे हमारे इससे पहले वाले गिव अवे विनर, और सत्यम ने कमेंट किया था इससे पहले वाले गिव अवे विनर के लिए। तो ये सारा एक चेन सा चलता आ रहा है। आज आप लोग अक्षित को विश कर दो, हो सकता है कल आप जीत जाओ। एंड ट्रस्ट मी, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, रैंडमली मैं कमेंट पिक कर रहा हूं। सो अक्षित त्यागी, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द गिव अवे विनर ऑफ टेक्स्ट ऑफ हैशटैग 279 आई बिलीव। तो उसमें भी हमने टारगेट रीच कर दिया। तो आपको मिलते हैं AMX के ईयरफोन्स। एंड गाइज, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम टारगेट थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं आप लोगों के लिए, ओनली बिकॉज 10,000 हमारे लिए अब अचीवेबल हो चुका है। टारगेट थोड़ा सा बढ़ेगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बट प्लीज कीप दिस इन माइंड कि टारगेट बढ़ेगा तो गिव अवे के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। दैट मींस आपको ज्यादा प्राइस वाले गिव अवेज देखने को मिलेंगे। सो हमारा हमेशा यही वो मोटिव रहेगा कि जैसे जैसे आगे हम टारगेट्स बढ़ाते जाएं, आपको और महंगे महंगे गिफ्ट दें, आपको बेटर गिफ्ट देखने को मिल जाएं। सो अभी के लिए हम 10K के हिसाब से आपको गिव अवेज दे रहे हैं। जब आगे हमारे 100K व्यूज आने शुरू हो जाएंगे भगवान की दया से, आपको 100K के हिसाब से हम गिफ्ट दिया करेंगे। सो टारगेट आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। उस चीज के लिए यू हैव टू बी रेडी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज। इफ यू कैन एक्सेप्ट दैट चैलेंज, आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो चैलेंज एक्सेप्टेड, एंड नेक्स्ट वीक हम अगला टारगेट भी पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ। एंड अरुणा देवी इज द कमेंटेटर ऑफ द डे। वो कह रही हैं, डोमिनो विल बी द हाईएस्ट पेड एंटरटेनर, ही इज सो लवेबल। आई होप डोमिनो आपकी बात सुन रहा हूं, ही इज राइट देयर एंड ही इज चूइंग हिज आई डोंट नो पेडिग्री वो सब कुछ, बट यस मे बी इन द फ्यूचर डोमिनो माइट बिकम सेलिब्रिटी, मेरे से आगे निकल जाएगा शायद, हो सकता है। व्हाट डू यू से, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और वीडियो खत्म करते हैं स्टफ दैट यू शुड नो के साथ। एंड सेंट टेक्नोलॉजी ने हमें एक इंटरेस्टिंग स्टफ यहां पे प्रोवाइड की। वो कह रहे हैं, द फर्स्ट एवर 3D फिल्म वाज रिलीज्ड इन सिनेमास इन 1922। सो 3D कुछ नया टेक्नोलॉजी नहीं है एज पर हिम,
1922 में फर्स्ट एवर 3D फिल्म आ चुकी थी, और अभी तक हम यू नो 3D टेक्नोलॉजी वाली जो मूवीज होती हैं उनको अच्छे से नहीं यूज कर पा रहे हैं मेरे हिसाब से. अभी भी चश्मा वश्मा जो यू नो वो लोग देते हैं मूवी हॉल्स वाले, आई डोंट लाइक देम. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर स्टफ? इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो यस आई नो. सो अगर नहीं पता तो आप इनके कमेंट को जाकर एक लाइक दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज सम इंटरेस्टिंग स्टफ दैट वी ऑल शुड नो. सो देयर यू गो गाइस, ये थी संडे की सुबह वाली टेक स्टफ. आपको आज शाम को टेक स्टफ नहीं देखने को मिलेगी बिकॉज आज आ रहा है संडे स्टफ. आई अज्यूम एंड आई होप कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड मैं ट्राई करूंगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर मैं दे पाऊं उतने दूंगा. 20 क्वेश्चंस की जगह इस बारी में 25 क्वेश्चन पिक करूंगा, बिकॉज पिछले 3 हफ्ते से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि यार क्वेश्चन ज्यादा पिक नहीं हो पाते हैं. सो उसके लिए मैं सजेशन आपको एक ये दूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि पर पर्सन अगर एक क्वेश्चन आएगा तो हम ज्यादा क्वेश्चन पिक कर पाएंगे. अगर आप 10 क्वेश्चन दे दोगे और यू नो अगर मैंने उन 10 का आंसर दिया वो किसी ना किसी और स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी मेंबर के क्वेश्चन की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है. सो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक क्वेश्चन पूछें पर पर्सन सो दैट मैं ज्यादा लोगों के आंसर दे पाऊं. मिलते हैं संडे स्टफ में शाम को. गॉड ब्लेस यू ऑल. पीस. अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू. तो नासा ने एक नया पेंडेंट नहीं नेकलेस अब सो उस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 87. आगे बढ़ते हैं वोवे की तरफ. वोवे नोवा थोड़े से कंसीडरेबली कम नहीं ये क्यों बोले. मिलते हैं संडे स्टाफ में शाम को. आए पाक.